हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में। यस, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट किस तरीके का होता है, कैसा होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको चार्ज कैसे करना है, दोबारा से उसको क्लिंस कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। और ये किस किस फॉर्म में हमें आसानी से मिल जाएगा। यस, रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो मेनली बेबी पिंक कलर के टोन में आता है। एज यू कैन सी कि मैंने भी यहाँ पर ये वेयर कर रखा है, ये वाला। तो ये क्रिस्टल ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज का। अब मैंने इसको ब्रेसलेट के फॉर्म में वेयर कर रखा है, लेकिन अगर आप इसे चाहो तो आप इसे एज अ स्टोन, इसकी ना रफ स्टोन्स आते हैं, आप उसको एज अपने घर में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और अगर आपको स्टोन नहीं रखना है तो आप एज अ पेंडेंट उसे पहन सकते हैं। अगर आपको एज अ पेंडेंट नहीं पहनना है तो आप इसको एज अ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों में भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एज अ रिंग भी, आप उसको रोज क्वार्ट्ज के जो स्टोन है उसको एज अ रिंग भी पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। बेनिफिट हर किसी चीज का इक्वल ही रहेगा, बट ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहने वाला है कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है वेयर करना। आपको रिंग के फॉर्म में अच्छा लग रहा है, ब्रेसलेट के फॉर्म में अच्छा लग रहा है, या कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये लाइट बेबी पिंक कलर में आता है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फेड होता है एज पर द टाइम, क्योंकि इसका नेचुरल, इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि एक बार जब आप इसको पहनते हो तो इसका जो रंग है, वो जो उसका कलर है, वो थोड़ा सा डल होने लगता है। सो बट इट डजंट मीन कि आपका जो क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो लोकल है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इस चीज को इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब हमारा कलर फेड हो गया तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं मैंने जितने भी अपने क्लाइंट से बात करी है या खुद भी पर्सनली भी मैंने इसको काफी टाइम से वेयर कर रखा है, तो इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि इसका थोड़ा रंग फेड होता है इन स्टार्टिंग, बट एक बार जब इसका रंग फेड हो जाएगा तो वो लाइफ टाइम तक आपका वैसे ही चलने वाला है। राइट, अब बात करते हैं बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका यही है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को ये बैलेंस करता है, उनको और डीप और उनको और ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है। अगर आपको अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपका स्पाउस आपकी बात नहीं मानता, आपका पार्टनर के बीच और आपके बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, आप एक दूसरे की केयर करते हो बट वो केयर दिख नहीं पाती है, यानी कि एक लव अफेक्शन, एक अट्रैक्शन की पैशन की आपके रिलेशन में कमी है, तो यू कैन गो फॉर इट। आप जो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट है आप वो वेयर कर सकते हो। बेनिफिट नंबर टू, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप के लिए नहीं होता है। अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से हो, आपका जो रिलेशन है हर किसी के साथ बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी सब बात माने, आपकी सब इज्जत करे, आपको सब प्यार करे, देन ऑल्सो यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट। या आपके सोशल मीडिया पर आपको फॉलोअर्स दिलाने में हेल्प करेगा, आपको नेम एंड फेम के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। नंबर थ्री, रोज क्वार्ट्ज आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। कई बार आपने बहुत सारे लोगों को आसपास देखा होगा, उनका एक बार ब्रेकअप हो जाता है तो दे आर लाइक कि अब वो नहीं तो कोई नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं, उनका हार्ट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में किसी और प्यार को चांस नहीं देना चाहते और उनको सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लव। राइट, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो चुका होता है, जिस वजह से वो किसी भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और किसी भी न्यू पर्सन को चांस नहीं देना चाहते हैं। तो ये इस वजह से जो चीज़ें हैं वो ऐसा हो जाता है। सो अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम है तो आप भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं। वेयर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रफ स्टोन के फॉर्म में वेयर कर सकते हैं, आप ब्रेसलेट के फॉर्म में वेयर कर सकते हैं, आप रिंग के फॉर्म में वेयर कर सकते हैं, आप एज अ पेंडेंट उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा, आप देख रहे हो कि मैंने ब्रेसलेट के फॉर्म में करा है, तो आप ब्रेसलेट के फॉर्म में कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। आपको कुछ पहनना नहीं पसंद है तो आप किस बेडरूम में जो है रफ स्टोन रख सकते हो रोज क्वार्ट्ज का, तो उससे क्या होगा, वो आपकी लाइफ में जो है लव की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, हील करेगा। राइट, बेनिफिट नंबर फोर, रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो आपकी आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आजकल मार्केट में जेड रोलर्स चल रहे हैं, जिसे मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ, इतना रेगुलरली नहीं हो पाता है, बट यस, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो आई यूज दैट ऑल्सो। जेड रोलर से आप जब अपने फेस में मसाज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसके अंदर क्या होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है।
होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है यू नो वो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसे लेने लगता है अपने पास, उसे एक्सेप्ट करता है, जिस वजह से आप प्यार देने के काबिल भी बनते हो और उस प्यार को एक्सेप्ट करने के काबिल भी बनते हो। सो ये तो हमने बात करी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं रोज क्वार्ट्ज़ को अगर आप वेयर करते हैं तो। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्लिंज इट। यस, क्योंकि क्लिंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी कभी आप यू नो क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स को वेयर करते हो या क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में वेयर करते हो अपने पास अपने घर में रखते हो, तो उसे क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसे हर हफ्ते में या हर 15 दिन में आपको इस ब्रेसलेट को क्लेंस करना होता है, उसकी प्रॉपर केयर करनी होती है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल ब्रेसलेट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या करते हैं, ये आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो कई बार जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाती है तो ये टूट जाते हैं अगर ये प्रॉपरली क्लेंस ना हो तो, या तो इनका रंग बहुत ही ज़्यादा डल हो जाएगा, टूट जाएंगे, बार बार टूटने लग जाएंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज कि इन्होंने जो आपका जो क्रिस्टल वेयर आपने कोई भी क्रिस्टल वेयर कर रखा है उसने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ली है कि अब वो जो क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो उसे झेल नहीं पा रहा है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो क्रिस्टल ब्रेसलेट को है ना वेयर करना आना चाहिए और उनको क्लेंस करना आना चाहिए। बात करते हैं हाउ टू क्लेंस इट। यस, सो इसको क्लेंस करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है और इफेक्टिव तरीका आपको बता रही हूँ, जिससे अगर आप इस तरीके से इसको क्लेंस करोगे तो आप अपनी लव लाइफ में अपने यू नो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पर आपको नेम एंड फेम चाहिए और जहाँ पर आपको अपनी स्किन के ऊपर वर्क करना है आपको एकदम मिराकुलसली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक यू नो कंटेनर लेने वाले हो, उसके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वो स्टील का ना हो, या तो वो प्लास्टिक का हो या तो वो कांच का हो। कांच का होना सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, तो कोई भी चीज़ हो वो ग्लास की हो तो वो ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कांच की हो। आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर रोज़ वाटर डालना है, रोज़ वाटर के साथ आप उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। पर रोज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखो यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज़ जो क्रिस्टल है उसके साथ भी रोज़ लग रहा है और हम रोज़ वाटर डाल रहे हैं, तो रोज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टू गिव द लव एंड टू एक्सेप्ट द लव, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, उसकी एनर्जीज़ को जो है वो यू नो अनकंडीशनल लव में एक्सचेंज करने वाले हैं। तो आपने क्या करा, बाउल में जो आपने कंटेनर लिया है वो कांच का होना चाहिए, उसके अंदर आपने डाला पानी, उसके अंदर डाला आपने रोज़ वाटर। नाउ अब उसके अंदर तो आपको डालना है अपना ब्रेसलेट। जैसे मान लीजिए कि ये बाउल है और इसके अंदर मैंने पानी डाला, रोज़ वाटर डाला और मैंने इसके अंदर अपना जो है ये रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल डाल दिया। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है हनी और आपको हनी इसके ऊपर से अच्छे से ऐसे डाल देना है, एंड देन आपको इसको 5 मिनट तक उस पानी के अंदर भिगो कर रखना है ताकि जितनी भी इस ब्रेसलेट की नेगेटिविटी है वो पानी सोख ले और इस ये जो ब्रेसलेट है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्लेंस हो जाए और ये दोबारा से आपके लिए काम करने लग जाए। सो जब 5 मिनट तक आप इसको उस पानी के अंदर भिगो कर रखें, सोख कर रखें, तो आपको इसको निकालना है साफ पानी से, यू नो अच्छे से इसको वॉश करना है, एंड देन इंटेंशन क्रिएट कर कि मेरे जो रिलेशन है वो मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अफर्मेशन देनी है, अच्छी अच्छी अफर्मेशन जितनी आप दे सकते हो फुल फीलिंग्स के साथ देनी है, और आपको ये जो ब्रेसलेट है वो वेयर कर लेना है दोबारा से। तो इस तरीके से जो रोज क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो काम करता है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्लेंस करना है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, मैं पर्सनली इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो आई जस्ट होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको आज की इस वीडियो से हेल्प मिली सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी नए नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं सो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।